Hello everyone, welcome back to Shape Up Your Life. The key to a healthy life is having a healthy mind. और एक healthy mind ही happy life को lead कर सकता है. Body healthy है या नहीं ये depend करता है कि हम कितने aware हैं about our diet and exercise. तो mind की health भी totally diet और exercise पे ही depend करती है. But हाँ, दोनों की diet और exercise में difference है. Physical health पे तो मैं कई बार बात करती हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे mental health के बारे में. जिसके हेल्दी और अनहेल्दी होने पे हमारी लाइफ का जॉयफुल होना या ना होना डिपेंड करता है. और हमें लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ दूसरों के वर्ड्स और एक्शंस पे डिपेंड करती है. ये टोटली रॉन्ग है. एक्चुअल में ये उन थॉट्स पे डिपेंड करती है जो दिन भर हमारे माइंड में आते हैं. वो हेट्रेड, जेलसी या कुछ वरीज भी हो सकती हैं, और लव, केयर एंड हैप्पीनेस भी. सो आपकी मेंटल हेल्थ कौन से स्केल पे है ये पता लगाने के लिए एक पूरा दिन खुद की थॉट्स को नोटिस करना होगा, और आप जान जाएंगे कि आपकी लाइफ जैसी है वैसी क्यों है. लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है, और हम सब अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं. एक चीज़ जिसको मैंने डीपली सोचा और डीपली उसे एक्सपीरियंस भी किया वो है पावर ऑफ माइंड. क्योंकि मैंने रिजल्ट देखे हैं सो मैं इस चीज़ पे ब्लाइंडली फेथ करती हूँ. माइंड इज़ अ बिग गेमर. सारी गेम ही यहाँ से शुरू होती है. बॉडी के एफर्ट्स को तो मैं काउंट ही नहीं करती, क्योंकि विदाउट परमिशन ऑफ योर माइंड आपकी बॉडी मूव भी नहीं कर सकती. फिर फिट होने के लिए एक्सरसाइज करना तो दूर की बात है. आप चाहें तो अपनी विल पावर से इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना सकते हैं. बेटरमेंट के लिए अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस हम ला नहीं पाते, जबकि हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि आप वो कर जाएंगे जिसके बारे में सपना देखना भी आपको बड़ी बात लगती थी. ऐसे ही अरुणिमा सिन्हा बिना पैरों के एवरेस्ट नहीं चढ़ गई. वो उसकी विल पावर थी, और यू कैन से पावर ऑफ माइंड. गूगल पे आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि फिजिकली वीक होते हुए भी कुछ लोगों ने अपनी दिमागी ताकत से हिस्ट्री बनाई है. सो इतनी पावरफुल चीज़ को हमने क्या बना रखा है. दिन भर बस स्ट्रेस और नेगेटिव सोचने के अलावा इसका कोई यूज़ नहीं करते. सोचिए, जिस माइंड का यूज़ करके चाहे तो हम दुनिया बदल सकते हैं, उसी का यूज़ करके अपनी सोच का दायरा और रॉन्ग बिलीफ सिस्टम नहीं बदल सकते. ये लाइफ है, यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है, और जब तक ज़िंदगी है तब तक चलता ही रहेगा. मैंने कुछ लोगों को काफ़ी बार कहते हुए सुना है कि टेंशन्स ने हमारा दिमाग ख़राब कर रखा है. तो ये पता होते हुए भी कि किस चीज़ ने दिमाग ख़राब कर रखा है, फिर भी उसे खुद पे हावी होने देना गलती किसकी है. प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी भर रहेंगी, बट कोई भी प्रॉब्लम आपको कितना तोड़ सकती है वो आपकी मेंटल हेल्थ पे ही डिपेंड करता है. हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है डर. फियर इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आर लाइफ. वो डर किसी चीज़, पर्सन, फेलियर या बिना लॉजिक के किसी बिलीफ का हो सकता है. ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट डर बहुत तरह के होते हैं, होते होंगे, लेकिन सोल्यूशन एक ही है. बी स्ट्रॉन्ग बाय योर माइंड. इतना स्ट्रॉन्ग कि आपका खुद पे ट्रस्ट ही आपके लिए सब कुछ बन जाए. आपकी ज़िंदगी में कभी किसी तरह के डर की कोई जगह ना हो. कोशिश करें तो ये चीज़ करने में या तो सिर्फ एक सेकेंड लगेगा, अगर ना करें तो सालों भी कम पड़ेंगे. जस्ट स्विच योर माइंड एंड सी द रिजल्ट्स. हम चाहें तो अपनी लाइफ में मन चाहे चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी डर की वजह से हम पूरी उम्र एडजस्टमेंट्स करने को तैयार हो जाएंगे, खुद के माइंड को टॉर्चर करते रहेंगे, लेकिन उस रूट ऑफ फियर को निकाल फेंकने का हौसला नहीं जुटा पाएंगे. लोग क्या कहेंगे, कोई अपना नाराज़ हो जाएगा, ये सोच के ज़िंदगी भर वो करते रहेंगे जिसे करने से हम हर्ट होते हैं. जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ एनी फियर, और आप कितना रिलैक्स्ड फील करेंगे. जिस माइंड में पूरा दिन थॉट्स की फाइट चलती रहती थी वो सडनली पीसफुल हो जाएगा. ये तो था माइंड को हेल्दी रखने का फर्स्ट मंत्र. सेकंड वन इज़ डोंट बी एन इमोशनल फूल. हमारे रिलेशंस बहुत वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन वही रिलेशंस अगर हमारे इमोशंस का मिसयूज़ करके हमारे माइंड की एनर्जी को डिप्लीट करने की कोशिश करें तो स्ट्रेस का प्रेशर बढ़ेगा और माइंड वीक होना शुरू हो जाएगा. एंड रिमेंबर, वीक माइंड किसी के भी इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाता है, और हम सही गलत में डिफरेंस भी डिसाइड नहीं कर पाते. ऑफकोर्स हर रिलेशन लव एंड रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन वो बड़े हैं इसलिए सही हो या गलत उनको रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए, और आप छोटे हैं इसलिए आपको इंसल्ट किया जा सकता है. ये थ्योरी मेरे समझ से बाहर है. एवरी पर्सन नीड्स रिस्पेक्ट, एक छोटा सा बच्चा भी. सो बी अलर्ट, कोई आपको इमोशनल फूल तो नहीं बना रहा. आपके आसपास कितने ही इंटेलिजेंट लोग क्यों ना हो, लेकिन आप वीक तब होते हैं जब आप खुद को वीक मानते हैं. हमारा माइंड हमारा सब कुछ है,
हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। सही और गलत में फ़र्क समझ में आने के बाद भी अगर हम गलत को ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, तो याद रखें गलत करते हुए जो गिल्ट माइंड में रहेगा उसका इफेक्ट फिजिकल हेल्थ पे भी डेफिनेटली होगा। ज़िंदगी जीने का सबको लिमिटेड टाइम मिलता है, सो दूसरों के अकॉर्डिंग जीने की बजाय लाइफ को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना सीखें कि जाने से पहले ये तो समझ में आ जाए कि दुनिया में हम आए किस लिए हैं, एटलीस्ट सिर्फ स्ट्रेस लेने तो नहीं आए। अब तो साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि बहुत सारी बीमारियां बॉडी में स्ट्रेस की वजह से आती हैं और स्ट्रेस कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। सो टेक केयर ऑफ योर माइंड फर्स्ट इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। एक और चीज़ जो माइंड पे स्ट्रेस का प्रेशर बढ़ाती है वो है हमारी डिज़ायर्स। डिज़ायर्स होना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें फुलफिल करने के लिए उसी डायरेक्शन में एक्शन की बजाय अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो ऑब्वियसली हम साइलेंटली खुद को हार्म कर रहे हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं हम उन पे एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन जिन डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट दूसरों के एक्शंस पे डिपेंड करती है उन पे अननेसेसरली बार बार सोच सोच के अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने का क्या यूज़ है। अब मान लीजिए कि आपकी डिज़ायर आपके अपने बच्चे से ही जुड़ी है, इसे बनाने का जो सपना आप देख रहे हैं आपके बच्चे का उस डायरेक्शन में कोई एक्शन आपको नज़र आता नहीं, क्या लाइफ ख़त्म हो जाती है? पेरेंट्स की ड्यूटी बस इतनी है कि वो उन्हें सही या गलत समझाएं, उन्हें गाइड करें, दैट्स इट। कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, उनकी इंडिविजुअली भी एक पर्सनालिटी है। हमारे बच्चे हमारी हर बात माने, लाइफ में बस वो करें जो हम चाहते हैं, ना तो पॉसिबल है और ना ही सही, ना हमारे लिए और ना हमारे बच्चों के लिए। हम सब इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ हैं, हमारे बच्चे हमारे थ्रू इस दुनिया में आए ज़रूर हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड है और उनके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में होंगे। सो खुद को स्ट्रेस में रख के अपनी डिज़ायर्स के लिए बच्चों को प्रेशराइज करना पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों के लिए ही सही नहीं है। लाइफ में जब चीज़ें आपके हिसाब से ना हो रही हों और उनका कंट्रोल भी किसी और के पास हो, उस कंडीशन में चिल करने से बेटर कुछ नहीं होता। जिसे आप बदल नहीं सकते उसके बारे में सोचना छोड़ दें, होने दें जो हो रहा है, एक्सेप्ट द रियलिटी एंड फॉरगेट एवरीथिंग। हम मेंटली खुद को वीक बनाते हैं जब अननेसेसरली बहुत सारी चीज़ों को मन में होल्ड करके रखते हैं, स्पेशली पास्ट की उन मेमोरीज को जिनसे हम बाहर निकल ही नहीं पाते, और पास्ट की उन बातों को बार बार सोचते रहने से हम अपनी लाइफ को पास्ट में ही रोके रखते हैं। लिव इन प्रेजेंट, जो टाइम निकल गया उसे वहीं छोड़ के आगे बढ़ें। ये नहीं कर सकते तो अपने पास्ट से कुछ लेसन लेते हुए खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। जहाँ तक हमारी सोच और समझ जाती है लाइफ उससे भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बस ज़िंदगी को देखने का नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। डू योर ड्यूटीज़ और बाकी सब भूल जाएं। चेंज योर थॉट्स, क्योंकि अच्छा सोचना ही हमारे माइंड की हेल्थ के लिए सही डाइट है। लाइफ में इरिटेशन और अग्रेशन इसीलिए बढ़ता है क्योंकि हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और कंटिन्यूअस माइंड को नेगेटिविटी और वरीज जैसे फूड दे रहे होते हैं। सो हेल्दी सोचें और हेल्दी रहें। माइंड की एक्सरसाइज के लिए डू मेडिटेशन डेली। आई एम नॉट अ मेडिटेशन गुरु, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ मेडिटेशन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपका माइंड और बॉडी दोनों कुछ नहीं कर रहे होते, सारी दुनिया के काम भूल के टाइम ऑफ सेल्फ एनालाइजेशन। डेली साइलेंटली खुद के साथ थोड़ी देर जरूर बिताएं। मेडिटेशन आप सुखासन या शवासन दोनों में से किसी भी आसन में कर सकते हैं। आंखें बंद रखें और खुद को एनालाइज करें, माइंड को रिलैक्स करें, धीरे धीरे अपनी सांस पे ध्यान करना शुरू करें। जस्ट नोटिस कि कैसे सांस आ रही है जा रही है। इसी बीच आपका माइंड किसी ना किसी थॉट में जाएगा, जाने दें। फोर्सफुली उन थॉट्स को हटाने की कोशिश ना करें, अदरवाइज वो थॉट्स डबल फोर्स के साथ वापस आएंगे। कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, माइंड उसे सुनना चाहता है, सुनने दें। माइंड को फोर्सफुली वहाँ से ना हटाएं, देन स्लोली वापस अपनी सांस पे फोकस करने की कोशिश करें, चाहे ये फोकस कुछ सेकंड्स के लिए ही रहे। स्टार्टिंग में माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा, बट डेली प्रैक्टिस से आपका फोकस बनना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन का ये मतलब कभी नहीं होता कि अगर आप घंटों मेडिटेट कर पाएं तो ही सही मेडिटेशन है। अगर आपने 15 मिनट्स मेडिटेशन ट्राई किया और बस एक मिनट के लिए ही ध्यान लगा पाए, समझें आप सक्सेसफुल रहे। डेली प्रैक्टिस करते करते आपका फोकस आपकी सांस से भी अपने आप हटना शुरू हो जाएगा और आप एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर जाएंगे जो आपकी इस दुनिया से टोटली डिफरेंट होगी, और उस दिन आप समझ जाएंगे कि लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं। उसके बाद ये आपकी लाइफ का भी एक ज़रूरी पार्ट बन जाएगी।
एग्रेशन लेवल ज़ीरो हो जाएगा. अगर कभी गुस्सा आएगा भी तो उसका फोर्स ना के बराबर होगा. यू विल सी अमेजिंग चेंजेस इन योर लाइफ. प्लीज़ प्रैक्टिस प्राणायाम एंड मेडिटेशन फॉर बेटर हेल्थ ऑफ योर माइंड. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. टेक केयर एंड स्टे हेल्दी.